अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मैंने कहा था कि मुझे जाने दें। उसने मुझे कभी इनकार न करती आने से। अरे बेटा, बड़े जाते तो बहू की इज्जत होती है। बहू की इज्जत बढ़ रही है और इधर बेटे की इज्जत घट रही है। अम्मा जान, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। किसी का थोड़ी छीन रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है। हाँ मिल रहा है, लेकिन मैं सब कुछ खुद हासिल करना चाहता हूँ। आई नो बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तुम अपने सहन में रखो कि तुम माँ बनने वाली हो और एजाज के बाप के बाद वो घर का बड़ा बन गया है। मम्मा, यही तो परेशानी है कि एजाज अपने इलाके से निकल नहीं पाएगा। सुना, तुम आ गई हो क्या? चाची, मैं लेकर आया हूँ अधी को। उस दिन वो चाचा मेरा अब आए थे ना हमारे घर, तो मुनासिब नहीं लगता कि बड़े आए और हम पीट दें। सरकार, हम आपके गुलाम हैं। हमने आज तक आपके किसी फैसले को इनकार नहीं किया। क्या बात है, बड़ी समझदार हो। और हमारी भी रीत यही है कि जोर जबरदस्ती का कभी सौदा किया नहीं हमने। मगर मुझे तो यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। तुम्हारी बीवी वापस आ गई या हमारी मदद की जरूरत है? नहीं नहीं सरकार, वो आ गई है। वो अपना कांजू है ना, वो उसे छोड़ गया था। अरे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं सरकार एजाज के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। अपा, हुसना को अकेला छोड़ा है क्या? क्या मतलब अम्मा, हुसना नहीं आई है? मैं तो खुद उसे देखने आया हूँ यहाँ। तो यहाँ से बहुत देर पहले गई है। कहाँ जा सकती है हुसना? हो सकता पड़ोस में गई हो, सहेलियों ने बिठा दिया होगा। नहीं अम्मा, उसने इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। उसे पता है वहाँ काम है और मैं भी वहीं मौजूद हूँ। बड़ी बात है, बड़ा बावर है तुझे अपनी जाल पे। हाँ, जैसे वो तेरे पे ही मरती है। अम्मा ये तानेबाजी छोड़ो भी, मुझे पता नहीं क्यों परेशानी महसूस हो रही है। वो आ गई तेरी लाडली, जिसके लिए तेरा साह जा रहा है। क्या हुआ है? बैठो अम्मा, पानी लेकर आओ। क्या हुआ है उसना? ये क्या हुआ छोकरी को, लाती हूँ। उसना लो, क्या हुआ? और ये हुसना क्यों डरी हुई है? बेटा क्या हुआ, खैर तो है ना? क्या हुआ छोकरी को? अम्मा पानी पी। ठीक अम्मा, तू बता दे तेरे साथ हुआ क्या है? डर नहीं तुमने? क्या मामला हुआ है? देख, तू अपने घर में ही है, घर में है। मैं मलूक के पास आ रही थी तो रास्ते में कुत्ते पीछे लग गए। मैंने उनको बकाने के लिए हाथ का इशारा किया तो मुझे काटने के लिए दौड़ने लग गए। मैं भी भागने लग गई
और जब थक गई तो जमीन पर जा गिरी। वहां ईंट पड़ी हुई थी, मैंने वो कुत्तों को मारा तो वो भागे चाची, फिर मैं जल्दी से भाग कर यहाँ आ गई। शोकुनी को कुछ हुआ है ऐसा का? देखो ना, ये तो उंगलियों के तीन तीन निशान लगे हुए, ये क्या हुआ, ये किसने किया है? ये भी लगता है, देखो ना, देखो देखो, इसका गाल भी लाल हो गया है। नहीं तो चाची, उंगलियों के निशान क्या करेंगे? वो हाँ, वो जब कुत्तों को मारने के लिए जब मैं भाग रही थी तो बेख्तियार जमीन पे गिर गई थी मैं, और मैंने हाथ मुंह के नीचे रख लिया था खुद को बचाने के लिए। उसी के निशान होंगे। ये बेचारी मुसीबत से निकल आई है और तुम यहां थाना बना कर बैठ गई हो। हाँ चलो हुस्ना, चलो तुम कमरे में आराम कर लो, आ जाओ। हाँ जाओ, उठो, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ने रहम किया है। ये बड़ी मुसीबत अल्लाह ने डाली है। हुआ क्या है तो कोई बता नहीं रही है, ताने क्या हुआ चल जाएगा पता। कि हुआ क्या है, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है, बकवास करती रहती है तू। देख उसका हाल तो देख रहे क्या हुआ है, ये उंगलियां लगी हुई हैं। हमी, मैं सुमेरा को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ और वहां से हम अख्तर के घर जाएंगे डिनर पर। बेटा कुमार थकी हुई होगी, डिनर कल रखे थे। मैंने भी इसको यही कहा था, लेकिन उसका और अख्तर की वाइफ का पहले से ही प्लान था, मुझे उन्होंने आज सुबह ही इन्फॉर्म किया। और वैसे भी एक घंटे की जो फ्लाइट है उसमें क्या थकी होगी। आप एक काम करेंगी, फयाज आए तो आप उसको कह दिएगा कि वो मुंशी से बात कर ले, मैंने मुंशी को मेहराब वाली जमीन के बारे में सारी तफसीलात दे दी हैं। लो वो आ गया, खुद ही समझा दो। फयाज, मैं सुमेरा को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो तुम फयाज पता नहीं फयाज को क्या हो गया। नई बात तो नहीं है मैं। अच्छा नहीं, किस रविश पे चल पड़ा है, ना माँ को माँ समझता है और ना बड़े भाई को बड़ा भाई। मुझे लगता है कुछ हुआ है जिसका सबब वो तुमको समझता है। कुछ भी नहीं हुआ मी, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे घर वालों के साथ इतने ही गुस्से में रहता है और मेरे से तो जैसे खास तौर पे इसकी कोई दुश्मनी है। ठीक है तुम जाओ, मैं उसे समझाती हूँ। अच्छा प्लीज, फिर अभी आप इससे मुंशी वाली बात मत कीजिए, मैं आके इससे खुद ही बात करूंगा, पता लगे मुंशी इसको समझाए कुछ और ये खुद समझ बैठे। सही कह रहे हो, ठीक है। क्या होगा इनका? अम्मा वो हुस्ना किधर है? अरे अब्बा, हुस्ना तो कमरे में ही है,
अभी तक कमरे में? हाँ बा, मैं रोटी लेकर गई थी उसके पास, लेकिन उसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया और मुझसे बात भी नहीं कर रही। पता नहीं छोकरी को क्या हुआ है, तानी मुझे तो लगता है किसी का साया हो गया है उस पे। जा तू देख ये क्या लेकर आया है, ये उसको सूफ उसको खिला, जा ले जा ले जा। अब बात ये आप गए ना, ये आप। हाँ शाबाश है, माँ का ख्याल किया है तूने। अब्बा बेटा है, अल्लाह करे छोकरी खाना खाए। अब सो गया क्या? चल सुबह को तुझे दूंगी। फ्रूट लाया था तुम्हारे लिए, उठो खा लो। अम्मा, ओ अम्मा। जी अब्बा। अम्मा जल्दी आओ। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो ठीक थी परे 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 उसना, ओ मा उसना, ये बड़ा बुखार है इसको तो। तू जा प्याला पानी का भर के ला, जल्दी ला, जल्दी जा, जल्दी जा उसना। हाँ अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें नहीं कर। अम्मा अम्मा दे दे दे, औश में आ गई है, आ गई नहीं औश में स्पेस, अभी अभी ठीक हो जाए। अभी करती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं पट्टियाँ रखती हूँ, तू जा टिकिया लेकर आ, सामने पड़ी हुई, जल्दी जा जल्दी। अभी टिक्की खाओगी ना? अम्मा किधर है ये? वो ऊपर देख तो सही ना, तू देख तो नहीं है। अभी टिकिया खाओगी ना तो सही हो जाओगी मेरी अम्मा। अल्लाह अम्मा। हाँ हाँ दे दे, अब हम जो दे पानी भी पानी दे। अम्मा उठ उठ उठ, वो बात खोल बात खोल बात खोल, ऐसे हाँ पानी बड़ा घुट। अब ठीक हो जाए। हुस्ना हुस्ना आंखें खोलो, मैं हूं मलूक। चरी छोकरी ने बताया भी नहीं मुझे कि मुझे बुखार है। हा? बताते तो है ना। चाची मुझे नहीं पता चला मेरा कब बुखार तेज हो गया और मेरी कब आंख लग गई। अम्मा मैं डॉक्टर को लेकर आऊं? नहीं नहीं, मुझे लगता है इसको कुछ थकावट हुई है और भाव की वजह से भी बुखार हो जाता है। तुम ऐसा करो मलूक, मैं जाती हूँ घर का काम काज करती हूँ, तुम इसके पास बैठ जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं है, इसका ख्याल करो और बातें करो इसे, है ना। मेरी अम्मा ठीक है मैं दूसरा बिल्कुल ठीक है। चरी मुझे बताया भी नहीं कि बुखार हो रहा है और तू पता नहीं कैसे खिला इसको, खिला 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 पिया खिला पिला। ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, सही हूँ सर तो बाद में। फ्रूट खा लो थोड़ा। जी कहिए। फयाज मैंने मुंशी को बुलाया, तुम्हें जमीन की जो भी बात करनी है मुंशी से कर लेना। इसमें मुंशी की क्या जरूरत है? मुंशी के पास व्यापारियों की लिस्ट है कि कौन सी जमीन किसके पास है। और कुछ? बाकी बातें बड़ी अम्मी ने जुम्मे के दिन रखी है। मैंने मुंशी को बुलाया, तुम्हें
इस जमीन के मुतबादल जो जमीन चाहिए तो मुंशी को बोल दो, वो दे देगा तुम्हें। क्या हर चीज का मुतबादल जरूरी है? क्या मतलब? अच्छा सही, एक बात तय है, मुझे कोई भी ऐसी जमीन नहीं चाहिए जिसमें बार बार किसी की मुदाखलत हो। बिल्कुल सीधी जमीन लूंगा मैं। बख्शीश की भी 10-12 एकड़ जमीन है, ज्यादा नहीं है। वैसे एक बात बताएं, आपको इन 10-12 एकड़ से ज्यादा तो उस एक एकड़ की परेशानी ज्यादा होगी। मैं समझ नहीं रहा तुम्हारी बात को, कहना क्या चाहते हो फैयाज? अरे वही जमीन जो मेहराब के पास है। अरे नहीं, वो तो शायद मलूक के पास है ना। ना ना, वो तो हुस्ना के पास है जो जमीन। तुम्हें याद नहीं है बाबा ने तुमसे क्या कहा था कि स्कूल के लिए तुम्हें जमीन देंगे? बाबा जान की बात उनके साथ ही गुजर गई और मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं है उस जमीन पर स्कूल बनवाने। फयास, मैं कोई बदगुमानी नहीं चाहता, अब ये सारे मामलात घर वाले तय करेंगे। अदरसा ही आप इन सब बातों को घर वालों के सामने तय करना चाहते हैं? नहीं नहीं, खामा खाम बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। काफ़ी दिन बाद भाभी घर आई हैं, बिला वजह वापस रूठ के चली जाएंगी। फयास अपनी हद में रहो, मैं तुमसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ और तुम क्या बेढंगी बात कर रहे हो? तुम भूलो नहीं कि मैं कुछ नहीं भूल रहा, बेफिक्र हो जाए। मुंशी से मैं खुद मालूम कर लूंगा। क्या हुआ बेटा? उसकी तबीयत मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्या कह रहा था? वो बख्शीश वाली जमीन छोड़ने के हक में नहीं है। अजी सोनी, आज तो इस खलील छोरे ने हद कर दी। क्या हुआ? इत्तफाक से अदा गुलाम रसूल की ओताक से गुजर रही थी तो वहां खलील को देखा मैंने। अच्छा, कब? अभी की बात कर रही हूँ, वहीं से सीधा आ रही हूँ। ये क्या कह रहा था? जैसे मैं वहां से गुजरी खलील वहां पर पहुंचा। बड़ा बेहया छोरा है। अब क्या होगा? उस वक्त तो अदा गुलाम रसूल ने उसे डांट पिला दी, पर अदी अदा गुलाम रसूल इस बात पर सोचेगा जरूर। अदी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। दूसरी बात ये कि मलूक का भी उसको पता है और वो मलूक से बात करना चाहता है। चाची सियानी, तुम बाज नहीं आओगी ना दूसरों के घर गिराने में? अरे मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? ये तुम किस तरह बात कर रही हो? मैं किस तरह बात कर रही हूँ? मैं अच्छे से जानती हूँ चाची, तुमने चाची को मजबूर किया इस मलूक की दूसरी शादी पे। अरे वरना हमारे घर में आज तक दूसरी शादी की कोई बात ही नहीं हुई। हुस्ना, हुस्ना, देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, चली जाओ कमरे में, चली जाओ। चाची, मुझे तुम्हारे इस फैसले से कोई हर्ज नहीं है, मैं चली जाती हूँ कमरे में, लेकिन मैं बता दूं, मैं मलूक की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी और मैं अब इस घर से एक कदम अपनी माँ के घर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी मैं। इसको क्या हो गया? तो इसकी बातें दिल पे ना ला, सब सही हो जाएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही, अगली बार इसने मुंह खोला ना तो सोनी तुम भी मुझे जानती हो, तुम कुछ नहीं कहना। इसकी चीखें इसकी माँ तक ना पहुंची ना तो मेरा नाम भी सियानी नहीं है, देखना तुम। बस कर, बस कर, अब तू भी बस कर, तू बस गुलाम रसूल का सोच। ये तो है ही ऐसी।
अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। अल्लाह की अमान में, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना और इस दफा जरूर आना, चक्कर लगाना। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी अपनी बेटी के पास। अच्छा अम्मा, चलती हूँ। हुस्ना। हाँ अम्मा। मेरी बातों का बुरा नहीं मनाना बेटी, ये एक माँ की नसीहत है जो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए रोते हुए कह रही है। मैं समझ रही हूँ अम्मा, बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर घर में कैसे भी हालात हो ना, तुझे घर से धक्के दे के भी निकाले ना, फिर भी अपना घर नहीं छोड़ना। जिंदगी की हकीकत यही है बेटी, असल घर तो तुम्हारा वही है ना, तुम्हारा आशियाना। हालात जो भी हो, जैसे भी हो, तुम अपने घर से कदम मत निकालना कि तुम अपना घर छोड़ रही हो। माँ बाप के मरने के बाद बेटियों के लिए ये घर एक मेहमान खाना बन जाता है और कुछ नहीं। अदियुसना, अदियुसना, जल्दी आओ, तेरे को देर हो रही है, वापिस आके काम भी करना है। अम्मा मैं चलती हूँ, अल्लाह की अमान में। मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये तो मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़कर। मर जाऊंगी लेकिन ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, लड़ूंगी मैं, लड़ूंगी मैं, घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। दर्द जलता रहा हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा। अम्मा अम्मा मुझे पैसे दो, मुझे शेयर लेनी है। कहाँ से आए, मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा दो ना। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं मुझे दो। अरे मैं जूता लगाऊं। क्या बात है, मुंह पे 12 बज रहे हैं, खैर तो है ना। तू मेरी बात सुन, देख लेना, एक महीने के अंदर अंदर मैं मलुक की शादी करवाऊंगी। मुझे पता है, सब समझती हूं, इस छोरे को मां ने समझा के भेजा है। अब मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूं कि इसकी धमकियों में आ जाऊं। क्यों आऊं? बात सुन, हुस्ना ने कुछ कह दिया क्या? क्या कहेगी, बस बेचारी आंखें दिखा रही है मुझे। हाँ, असली रंग पे आ गई है। उफ, मुझे पता तो चले हुआ क्या है। तो छोड़ इन बातों को, सबको मैं देख लूंगी। तू एक काम कर, कल तू और मैं दोनों गुलाम रसूल के घर चलते हैं, उधारी मंगनी और शादी की बात पक्की करके आ जाते हैं। और हाँ, अगर वो मुकर गया तो। पागल हुई है क्या? मुकर गया, क्यों मुकरेगा भाई,
जब गुलाम रसूल ने हाँ कर ली है तो अब वो इनकार कैसे कर सकता है बता। तुझे पता ही नहीं है ना किसी बात का हा? के हुआ क्या है इस कमबख्त का भाई, वो उसके पास गया था, बड़ी धमकी देकर आया है कि अगर तुमने रिश्ता किया तो तुम्हारा खैर नहीं है। दादागीर बना फिरता है, ये तो पता है ना खलील का, लोफर है छोरा लोफर। अरे लोफरों के साथ तो उसकी यारी है, यारी बारी है तो क्या करेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। हमने भी कोई तुम्हारी तरह चूड़ियां पहन के थोड़ी रखी। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, बल्कि यकीन दिलाता हूँ रसूल अब इनकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ बस तुम गुस्से को छोड़ दो, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है ना। देखना इसके हाँ पे मैं मुंग डरूंगी, देखना क्या मैं इसका अर्चन कर। कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं। छोरा आता है, पैसे दे पैसे दे पैसे दे। हाँ बैंक लगी हुई है हमारे पास है। पाना खाएगा। नूरा तुमने मासी खैरा के यहाँ कपड़े भिजवा दिए? आंटी मासी खैरा के यहाँ किस चीज़ के कपड़े भेजते हैं? मासी खैरा बुज़ुर्ग खातून हैं, करीबी रिश्तेदार भी हैं, और हवेली में जब भी नए कपड़े लाए जाते हैं तो सबसे पहले करीबी रिश्तेदार खवातीन में भेजे जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही हवेली के मकीन कपड़े मुंतखब करते हैं। कल यहाँ कपड़े रखे जाएंगे, सबसे पहले बड़ी अम्मा और फिर तुम मुंतखब करना। और आप? नहीं बेटी, जब तक 12 महीने नहीं हो जाते मैं नए जोड़े नहीं लूंगी, और तब तक हवेली में कोई शादी की तकरीब भी नहीं हो सकती। लेकिन बाकी तकरीबा तो हो सकती है ना? बिल्कुल कुंवार, जब बच्चा हो जाएगा तो तब सारी ही रस्में होंगी। तो फिर करें ना। वो जब 5 माह हो जाए तब होती है, बाज़ाकात पहले भी हो जाती है। अच्छा वो आप उस दिन सुगन का जिक्र कर रही थी। सुन रही हो नूरा, जल्दी जाओ सोनी वालों को बुलाओ। हुस्ना भी वापस आ गई है, उसको भी बुलाऊं? उसको तो लाजमी लाओ, मजे तो वो ही करती है। जी अच्छा। अपने रिश्तेदार औरतों से मिलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं जल्द ही कोई खाने का बंदोबस्त करती हूँ। अरे हाँ सुगन की रस्म में भी तो सबको बुलाएंगे। लेकिन मैं उनके यहाँ अलग अलग जाकर मिलना चाहती हूँ। ठीक, तुमने तो मुझे खुश ही कर दिया। सरकार आपने मुझे सचमुच में डरा दिया। डरने की जरूरत नहीं, बात करनी है तुमसे। आपसे पहले उस बख्शन खान के इतने खतरे मोल लिए हैं कि अब तो खतरे भी मुझसे डरते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। बात भी रास्ता बदलने की है। हुक्म करें छोटे सरकार। जहां तुम जा रही हो वहां हुस्ना भी है जो अभी तक आपके दम में नहीं फंस रही। फंसेगी फंसेगी जरूर फंसेगी, लाल उसके गले में कुंडी फंसी हुई है, वो निकालनी है मैंने। क्या करना है छोटे सरकार? फिलहाल उसको यहाँ का रास्ता नहीं दिखाना, सिर्फ सोनी से कहना कि बाकी औरतों के साथ वो यहाँ आ जाए, लेकिन हुस्ना यहाँ नहीं आनी चाहिए। कोई खास वजह? हाँ है वजह, उसको तब तक यहाँ हवेली में आना और अदासाई से मिलना ठीक नहीं जब तक उसका दिमाग ठीक नहीं हो जाता।
कोई गड़बड़ है क्या छोटे सरकार? हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल उसे हवेली से दूर रखना। समझे, काम हो गया। ठीक है, तुम जाओ। तो ये बात है, मैं भी सोचूं इस एक एकड़ जमीन के पीछे क्या खूबसूरत वजह पोशीदा है। सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ नहीं बोले उसना, मैंने तुम्हें और दसाई को बातें करते हुए सुना है, रोमांटिक भी और हमदर्दी वाली भी। आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। हाँ, और वो तुम्हारा हाथ पकड़ के सही फरमा रहा था। बिल्कुल, सरकार मुझे जाने दे। जाने दूंगा, लेकिन मुझे बताओ वो क्या बोल रहा था। सुनना चाहते हैं आप तो सुने। सरकार एजाज मुझसे बस यही पूछ रहे थे, मुझे समझा रहे थे कि तुम्हारी सास से तुम्हारे ताल्लुकात क्यों खराब है, तुम्हारा ससुर कहां पर है, और आपके बारे में भी पूछ रहे थे। बस यही नहीं, वो ये भी पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझे वैसे ही याद करती हो जैसे मैं तुम्हें याद करता हूँ। और बाकी बातें तो आपने सुन ही ली होंगी, मुझे उम्मीद है आइंदे के बाद आप छुप छुप के हमारी बातें नहीं सुनेंगी। मलुक, अपनी बीवी को कंट्रोल में रख, और जाकर उसकी माँ से भी तू बात कर, उसे कहे अपने बेटे को समझाए हमारे मामलात के बीच में मत आए। अरे अम्मा, अगर हम मौका ही ना दें तो उनकी मजाल है हमारे मामलात में बोले। देखो, ये फैसला हमारे घर का है। मेरा तो नहीं है ना। तुम लोग मेरी बात सुनो, कुछ दिनों के लिए इस मौजू को ही छोड़ दो, खुद ब खुद वो बाहर बैठ जाएगा। आई ना बात समझ में? में समझ में नहीं आ रहा, नूरी भी आई थी, कह रही थी शाम को हवेली में आओ। शाम को? वाह जी वाह, क्या बात सुना दी तुमने, ये तो बिन बादल बरसात हो गई। वैसे भी हमारे घर के हालात जरा ठीक नहीं, लेकिन
बुलाया क्यों था? पता नहीं, इसे कुंवार तो आई हुई है, हो सकता है उसके सुगंध की रस्म कर रहे हो। फिर तो मैंने सही कहा ना, ये तो बिन बादल बरसात हो गई, वही तो घर में आ जाएंगे ना। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने हुस्ना के लिए क्यों मना किया है कि कुछ दिन के लिए हवेली मत आए। क्यों, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हुस्ना ने उम्मीद से उन्हें का नाटक किया था? पता नहीं बेटा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हो भी सकता है। फिर तो बात खराब हो जाएगी, हो सकता है हुस्ना पे हवेली के दरवाजे बंद कर दें, और ये भी हो सकता है कि उसे वापस गांव भेज दें। अम्मा कहीं तू नहीं बता देना। ना बेटा ना, मैं क्यों बताऊंगी, अल्लाह ना करे उनको कहीं से पता ना चला। लेकिन उनको पता नहीं चला होगा। नहीं 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 नहीं, बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग हैं, हमारी छोटी छोटी बातों से उनका क्या वास्ता, पागल हो गए हो तुम। अच्छा क्या तुम ऐसा करो, तैयारी कर लो, मैं भी जाकर तैयार होती हूँ, और मुझे और नूरी के पास भी जाना है और ये सियाणी के पास भी जाना है। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ तैयारी करो, बस अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह करेगा, उनको पता ही नहीं चला होगा, कुछ नहीं है। बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी माँ इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनको बात बताएगी। अरे बाबा, अम्मा को मौका चाहिए उसना को निकालने का। चलो छोड़ दो इस बात को, तुम ऐसे करो फिर से काम से लग जाओ। देखो ना, रोजाना रोजाना घर के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, रोजाना रोजाना महंगाई भी बढ़ती जा रही, और तो और ये दाल भी खाने को महंगी पड़ रही है। हाँ बाबा, मैं सोचता हूँ कुछ, पता नहीं निजाम रखेगा या नहीं। सिर्फ निजाम है क्या, निजाम निजाम लगा के रखी है। मेरे जहन में एक और भी ख्याल है। क्या बाबा? तुम ऐसे करो, सरकार एजाज के साथ लग जाओ। ना बाबा ना, हवेली की नौकरी बहुत पाबंदी वाली है, मैं पहले निजाम से बात करता हूँ, फिर देखते हैं, सोचता हूँ मैं कुछ। तुम कब आए? जस्ट नाउ। अच्छा हुआ तुम आके, कल मैं आंटी के रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ, और प्लीज मेरी हेल्प करो, बताओ कौन सा ड्रेस पहनूं। वैसे तो आप जो भी पहनेंगी आपको सूट ही करे। प्लीज ना बताओ ना इनमें से कोई। सुमेरा, मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि तुमने घर के मामलात में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। प्लीज मेरी हेल्प करो, और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि गांव में मैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे शो बढ़े। हाँ नहीं, ये नहीं, ये पार्टी ड्रेस है, आई थिंक ये, हाँ दिस वन, ये बेहतर है। वैसे खाम खा मैंने तुम पे शक किया कि अमीर ज़ादे औरतों के पास पड़े रहते हैं और उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल की बता होते हुए भी तुमने मुझे अपना सरताज बनाया, भाई आप तो सलाम के काबिल हैं। और नहीं तो? वैसे मैंने ये सोचा था कि हम शहर के बाहर डिनर पे चलेंगे। अब डिनर्स को छोड़ो, हाँ अब बाहर डिनर्स को छोड़ो, मुझे यहाँ गांव की दावतें उड़ानी है।
थोड़ी एहतियात करना। नसीहती प्रोग्राम छोड़ो और कपड़े रखने में मेरी मदद करो। जो हुक्म मेरे आगा, ला दो मुझे, मैं अभी इसको कबड़ में। सही है? ओके।